सो है वो सब गाइस, तो कैसे तुम लोग। तो यहाँ पर अगर तुम भी हो चुके हो लैग से बहुत ही ज्यादा परेशान और तुम चाहते हो इससे छुटकारा, और वैसे 1.19 के बाद ना जो लैग है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यार बहुत सारे बंदे को और भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अरे यार समझ रहा हूँ, तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है, तुमको लैग देखने को मिल रहा है, और हाई एंड डिवाइस को भी लैग देखने को मिल रहा है। जिनके पास 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, उनको भी लैग देखने को मिल रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो देखो अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है, वो है ऑप्टिफाइन। तो आज के वीडियो में तुमको मैं 2 ऑप्टिफाइन बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुम यूज करते हो तुम्हारा लैग बहुत ही ज्यादा फिक्स हो जाएगा, एंड यू कैन अचीव 60 FPS प्लस। और अगर 60 FPS से भी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले है तो वहाँ पर 120 FPS तक जा सकता है तुम्हारा। और देखो मैंने जो 2 ऑप्टिफाइन है वो मैंने बहुत ही अच्छे से टेस्ट करके तुमको दिया है, बहुत ही तुम्हारा अच्छा लैग फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा FPS भी बूस्ट होंगे पक्का। तो यार एक काम कर दो, हक्का बक्का वाला यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बहुत ही कम बंदे आजकल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट डेली वीडियो देख रहे हो, तो क्यों कर रहे हो यार ऐसा, सब्सक्राइब करके जाना यार। तो यार देखो ये है हमारा पहले वाला ऑप्टिफाइन। अरे यार रुको, सेटअप भी करना पड़ेगा ना, तो चलो सेटिंग्स पे जाते हैं, फिर जाते हैं ग्लोबल रिसोर्स पे। तो ग्लोबल रिसोर्स पे जाने के बाद सिंपली तुमको को पैक को एक्टिव कर लेना पड़ेगा, और देखो हर एक पैक का डाउनलोड लिंक तुमको मिलने वाला है कमेंट सेक्शन पे। बट उससे पहले यार देख लो कौन सा ऑप्टिफाइन सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो देखो अब इसका जो UI है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, यहाँ पर तुमको जावा UI जैसा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अभी गेम के अंदर जाकर देखते हैं, तुम किसी भी वर्ल्ड पे चले जाना, बट यहाँ पर एक बात का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ल्ड में तुमको सेटअप करने पड़ेगा ये वाला ऑप्टिफाइन, फिर यार अंदर जाना, नहीं तो अच्छे से काम नहीं करने वाला है। तो अभी यार जो लैग है वो तुमको कम देखने को मिलेगा, FPS ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यार सच में काफी ज्यादा मुझे FPS देखने को मिल रहा है अभी। तो देखो यहाँ पर जो चीजों का क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब ऑप्टिफाइन है इसका मतलब ये नहीं है, एकदम ही डिक्रीज कर दिया गया है क्वालिटी को। यहाँ पर यार जो ग्रास का ब्लॉक है वो पूरा ग्रास के अंदर कवर है, और भी बहुत सारे चीजों के अंदर चेंजेस है। और यार देखो चिंता मत करो, मैं TNT टेस्ट भी करने वाला हूँ, बट उससे पहले एक जादू देखोगे, हाथ में कुछ नहीं है, अभी आ गया। तो पहले हम दूरबीन टेस्ट करने वाले हैं, इसके अंदर कैसा जूम मिलता है तुमको। तो इसके अंदर तुमको देखने को मिलता है फुल स्क्रीन व्यू, जिससे यार तुम कोई भी एंटिटी को आराम से देख पाओगे और कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो अभी यार दूरबीन भी टेस्ट हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम TNT 4 के देखते हैं कैसा लैग होने वाला है। तो फटाफट TNT लगा लेते हैं, क्योंकि ब्लास्ट करने वाले है, तो फटाफट सब लगाएंगे। तो सारे TNT लगाना हो गया, अभी यार जला के देखते हैं कैसा TNT ब्लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे TNT फटा, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है अच्छे से स्पार्कल्स। तो तुम्हारे सामने हो रहा है यार कितना लैग देखने को मिला, एकदम लैग हो ही नहीं रहा बोला जाए तो। तो ये वाला ऑप्टिफाइन सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे मैं फोड़े जा रहा हूँ TNT फट, फिर भी तुमको लैग देखने को नहीं मिल रहा है एकदम ही। सो अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। तो चलो नेक्स्ट ऑप्टिफाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो फिर से तुमको सेटिंग्स पे आना पड़ेगा, ग्लोबल रिसोर्स पे आना पड़ेगा, लूनर वाला ये जो न्यू बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर माइनक्राफ्ट का ऑप्टिफाइन है उसको तुमको लगाना पड़ेगा। और जब तक ये हो रहा है तब तक एक काम करो, शेयर कर दो वीडियो को, देखो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अच्छा होता है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी यार इसका जो UI है सच में मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तुमको कैसा लगा जरूर से बता देना, मुझे सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगा इसका UI। यहाँ पर तुमको भी अगर सेटिंग्स ओपन कर लेते हो तुमको काफी ज्यादा सुंदर UI देखने को मिलेगा, जिससे गेम खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाता है। तभी हम गेम में आ चुके हैं, देखो सिंपली यहाँ पर भी जो ग्रास के ब्लॉक है वो पूरा ग्रास के अंदर कवर रहता है, और वैसे भी जो ज्यादातर माइनक्राफ्ट के ऑप्टिफाइन होते हैं उनके अंदर ये वाला चीज होता ही। और वैसे पीछे स्केलेटन्स आ गए थे तो सोचा यार पतली गली मार लेते हैं। तो देखो ये वाला ऑप्टिफाइन में भी तुमको 60 प्लस FPS देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर तुमको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ TNT। तो अभी फटाफट लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाते हैं तुमको। तो 1, 2, 3 तो चलो भाग जाते हैं, अभी फट रहा है, चिंता मत करो लैग नहीं होने वाला है। देखो यार तुम्हारे सामने कितने ज्यादा मैंने TNT 4 है तब भी 1% भी लैग नहीं हुआ है, मतलब समझ पा रहे हो कितना ज्यादा कूल ऑप्टिफाइन है ये। तो अगर तुमने इस ऑप्टिफाइन को लगा डाला तो इसका मतलब तुम्हारा लो एंड डिवाइस का अंदर लाइव झिंगा लाला। और भी काफी ज्यादा चीजें हैं, लाइक यहाँ पर ऊपर ब्रांडिंग देखने को मिलेगा लूनर का, देखो यहाँ पर स्काई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा जो प्रमोशन कर रहा है खुद का बाय डिफॉल्ट। बाकी यार तुमको लगेगा अच्छा तुमने शेडर भी लगा लिया है, प्लस यहाँ पर ऑप्टिफाइन भी यूज कर रहा हो, मतलब यार दोनों का मिक्सअप है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। तो तुम्हारा का लो एंड डिवाइस है तुमको डेफिनेटली
ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अच्छा ग्राफिक्स भी मिल रहा है, प्लस ये ऑप्टिफाइन है, यहाँ पे तुम्हारा लैग भी कम हो जाएगा। यार वीडियो तो खत्म हो गया है और मैं बोल के भी तंग आ चुका हूँ, सब्सक्राइब कर दो तो सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर कोई भी पर्सनल हेल्प चाहते हो तो काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर देना। यार चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो बाय बाय।